जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है देवी देवताओं के दीपक लगाने से पहले के नियम क्या है। जानेंगे किस दिशा में लगाना होता है, शुभ और कितनी बार घुमाना चाहिए आरती में। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं आज के वीडियो में देवी देवताओं को दीपक लगाने से पहले के क्या होते हैं नियम। मित्रों, दीपक जलाने के नियम, हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र और इसका विशेष महत्व मानते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में अग्नि को देवता का स्थान दिया गया है। मान्यता है कि अग्नि देव को साक्षी मानकर उसकी मौजूदगी में किए गए काम जरूर सफल होते हैं, इसलिए किसी भी देवी देवता के समक्ष पूजन के समय दीपक जलाया जाता है। अगर दीपक धातु का बना हो तो उसे मांझकर धोकर दोबारा इस्तेमाल करें। दीपक जलाने से पहले थाली में स्वास्तिक बना लें। जले हुए दीपक में दोबारा से बाती या कपूर रखकर ना जलाएं। सनातन धर्म में सुबह और शाम के समय देवी देवता की पूजा करने का विधान है। चाहे कोई त्यौहार हो या फिर रोजाना की पूजा, दीपक के बिना ईश्वर की आराधना पूरी नहीं मानी जाती है। दीपक से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं भी है जो इसके पीछे के रहस्य को बताती है। तो आइए जानते हैं कि क्या है दीपक और इसकी लौ से जुड़े हुए रहस्य, साथ ही जानेंगे किस दिशा में दीपक दिखाने का क्या महत्व होता है। अब जानते हैं दीपक जलाने के नियम। ऐसी मान्यता है कि भगवान की पूजा दिन में दो बार सुबह और शाम को करना अत्यंत शुभ होता है। ध्यान रखें कि आरती करते वक्त पूजा की थाली में पहले रोली से स्वास्तिक बनाएं और फिर इसमें दीपक रखें। इस बात का खास ख्याल रखें कि आरती करने से पहले और आरती के बाद शंख अवश्य बजाएं। यदि संभव हो तो आरती के दौरान बीच में भी आप शंख बजा सकते हैं। आरती करते वक्त कोशिश करें कि थाल को ओम की वर्ण आकार में घुमाएं। भगवान की आरती करते वक्त उसे अपने आराध्य देव के चरणों की ओर चार बार, नाभि की ओर दो बार और अंत में एक बार मुख की तरफ से जरूर घुमाना चाहिए। इस प्रक्रिया को कुल 7 बार दोहराएं। आरती के दौरान ध्यान रखें कि पहले से जले हुए दीपक में दोबारा से बाती या कपूर रखकर ना जलाएं। यदि मिट्टी का दिया है तो उसे बदल कर नया दीपक जलाएं, और अगर दीपक धातु का बना हो तो उसे मांझकर धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी देवी देवताओं की आरती करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बैठे ना हो। यदि आप शारीरिक तौर पर खड़े होने में समर्थ हैं या किसी कारणवश नहीं खड़े हो सकते हैं तो ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए भी आरती की क्रिया को पूरा किया जा सकता है। पूर्व और दक्षिण दिशा में आरती की लौ दिखाने का महत्व। कहा जाता है कि पूर्व दिशा में भगवान विष्णु जी की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में आरती की लौ दिखानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के ऊपर श्री हरि की कृपा बनी रहती है। जो वहीं दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में संध्या की आरती दिखाने से पितर प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति को अकाल मृत्यु से भी छुटकारा मिल सकता है। मित्रों, ये थी कुछ विशेष तरह की जानकारी देवी देवताओं को दीपक लगाने से पहले के नियम, हमें क्या रखने चाहिए और हमें किस दिशा में दीपक और आरती करनी चाहिए और हमें कितनी बार घुमानी चाहिए। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, जय श्री श्याम।